हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। एमसीक्यू पढ़ने हमने स्टार्ट कर दिए होंगे, अच्छे से हमने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर ली होगी। अब हम उस टेंशन से बाहर आ चुके होंगे कि ओ माय गॉड सिलेबस चेंज हो गया है, अब क्या करना है। सो उन चीज़ों से अब हम बाहर आ चुके होंगे, हमने अपनी एमसीक्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी आई होप सो। सो चलो आज हम जो बात करने वाले हैं कि एमसीक्यू पढ़े कैसे, एमसीक्यू की तैयारी कैसे करें और एमसीक्यू के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, जो आपके एमसीक्यू हैं यानी कि मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, उनके साथ कैसे हमें खेलना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम करेंगे सिंपली। बाकी कोई भी सब्जेक्ट की बातें नहीं, ओनली कि एमसीक्यू कैसे करें। चलो अब देखो सबसे पहली बात क्या है, एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा पता है क्या मैटर करता है? सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका टाइम। अब टाइम आपके पास है इतना, क्वेश्चन है इतने सारे, तो अब कैसे करें? सो यही चीज़ को हमें मैनेज करके चलना है। अब इतनी बात तो श्योर है कि हमें क्वेश्चन पेपर रीड करने का टाइम मिलता है। अब क्वेश्चन पेपर रीड करने का जब हमें टाइम मिला तो फटाफट से ये वाले क्वेश्चन देख लो, जो वन लाइन क्वेश्चन होते हैं कि आपका ये वाली चीज़ कौन से साल में हुई। इतनी बात तो आपकी हिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ें आने वाली है, और थोड़ी बहुत हमारी इकोनॉमिक्स और बिजनेस में भी ये चीज़ें आ जाती हैं कि ये वाली चीज़ किस साल में हुई, कौन से ईयर में हुई। अगर हमें वो चीज़ याद है तो उसको फटाफट से उसी टाइम पर मार्क कर लो कि इस क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं लगने वाला, इसको हम सबसे पहले अटेम्प्ट करके चलेंगे। अब जो लेंथी क्वेश्चन हैं, मान लो आपके केस स्टडीज़ हैं, वो तो आपकी 5-6 लाइन्स की हैं, तो उनको भी ध्यान में रख कर चलो कि इस क्वेश्चन में मुझे टाइम लगने वाला है तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम निकाल पाऊँ। उन वाले क्वेश्चंस को मार्क कर लो कि भाई ये हमारे इजी क्वेश्चंस हैं, ये हमें याद भी हैं, और ऐसे अपने टाइम को मैनेज करके चलो कि पहले मैं अपने सिंपल क्वेश्चंस कर लूँ जो मुझे आते हैं और जो मैंने पहले करे हुए हैं, पहले देखे हुए हैं, ठीक है ना? इतना तो हम कर सकते हैं। चलो जी, और हमारे पास क्या है, स्किप कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, दो बार पढ़ लिया क्वेश्चन, फिर भी आंसर समझ नहीं आ रहा, फिर भी हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं, उस टाइम पर क्या करना है, उस टाइम पर ब्रेक लो और उस क्वेश्चन को स्किप कर दो उस टाइम के लिए। क्यों, पता है क्या होता है? क्योंकि एग्जाम में हमारे साथ ये हो जाता है कि जब वो क्वेश्चन हमारे दिमाग को इतना कंफ्यूज कर देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा नहीं पाते और वो क्वेश्चन हमारा सारा का सारा टाइम वेस्ट करा देता है, और जो ईजी क्वेश्चन थे हमें आते थे वो भी हमारे रह जाते हैं। अकाउंट्स में बेसिकली यही होता है, क्योंकि जो अगर एक कोई बैलेंस शीट का, मान लो छोटी सी बैलेंस शीट आ गई तुम्हें, उसके बाद हम वहाँ पे उसमें फंस गए, उसमें फंसने के बाद जो इजी क्वेश्चंस थे हमारे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो हमें बहुत अच्छे से आते थे, वो हमारे स्किप हो जाते हैं। सो इससे बेटर है कि अच्छे क्वेश्चंस को स्किप करने से अच्छा है जो क्वेश्चंस हमें कंफ्यूज कर रहे हैं उन्हें स्किप कर दो, अगर टाइम बचता है तो देन यू कम टू दैट। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि डिवाइड योर क्वेश्चंस। अब यही बातें मैंने आपको पहले बताया कि अपने क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर दो? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। क्या, जो फर्स्ट पार्ट में अपना क्या करो, फर्स्ट पार्ट में जो सबसे इजी क्वेश्चन है, जो वन लाइन क्वेश्चन होते हैं कि आपकी ये बात किस ईयर में हुई, ये वाली डेफिनेशन हमें किसने दी, उनको मार्क कर दो, ठीक है ना? अगर हमें वो क्वेश्चन नहीं आते ना तो हम दिमाग यूज़ करके उनको सॉल्व भी नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहता। अगर हमें सिंपल से उसमें सिर्फ एक ही बात होती है, या तो हमें वो आते हैं या तो वो हमें नहीं आते, ठीक है ना? सो उनको सबसे पहले कंप्लीट करके साइड पे करेंगे, देन हम आएंगे सिंपल क्वेश्चंस पे, थोड़े से मीडियम टाइप के क्वेश्चन पे, और थर्ड पार्ट में हम कौन से आएंगे, जो हमारी केस स्टडी हमारे पास होंगी, जो हमारी केस स्टडी, जो हमारे 5-6 लाइंस के क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमें सबसे ज़्यादा वहाँ पर तंग करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हैक्टिक इतना होता है, हमें जल्दी से एमसीक्यू भी सारे कंप्लीट करने हैं और हमें अच्छे भी करने हैं, ठीक भी करने हैं। सो इसीलिए हम अगर डिवाइड करके चलेंगे अपने क्वेश्चन को कि पहले ईजी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो हमारे ईजी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, जिनमें शॉर्ट क्वेश्चन हमें थोड़ी सी सॉल्विंग करनी है और रीडिंग भी कम करनी है, देन उनको करेंगे। लास्टली जो हमारे सबसे लेंथी क्वेश्चंस है, या फिर आप रिवर्स पैटर्न भी लेकर चल सकते हो कि पार्ट 3 के क्वेश्चंस को 1 आवर दे दो, जितने हो पाए उतने करो, देन अपना फर्स्ट पार्ट कर लो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हमें जो हमने याद किया हुआ है या फिर जो हमें रिमाइंड हो रहा है वही हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ना है, या फिर हाफ एन आवर में ये काम करके अगर वो बच जाते हैं तो उन पर चले जाओ। ऐसे डिविजन करके अगर हम चलेंगे तो हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकते, ठीक है जी? इतनी बात सभी को क्लियर है, ये वाले हमारे कंसेप्ट समझ आए हमें?
है कि हमें कैसे करना है अटेम्प्ट, तैयारी कैसे करनी है। अब अगर ऐसा भी होता है कि हमें सब कुछ आता होता है, सब कुछ आता होता है, पर वहाँ पर MCQ के ऑप्शंस देखकर ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर हम ट्रिक्स या फिर अपने माइंड को मैनेज कर चलेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और क्या ट्रिक्स है मेरे पास आपके लिए, दैट इज योर अंडरस्टैंड एवरी लाइन। क्या है, अब आपके पास क्वेश्चन आया, ठीक है ना, अब क्वेश्चन था बड़ा लेंथी, क्वेश्चन तो बहुत लेंथी था, क्वेश्चन पढ़ने का ही नहीं मन करा, इतना बड़ा क्वेश्चन था। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें उस क्वेश्चन को डिवाइड करना पड़ेगा कि पहले इतना पढ़ते हैं उसको समझेंगे, देन इतना पढ़ेंगे उसको समझेंगे, देन इतना पढ़ेंगे उसको समझेंगे। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि MCQ में हमारे साथ क्या है, क्वेश्चन की एक एक वर्ड मैटर करती है, वहाँ पर वर्ड से ही सारे ऑप्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो एक एक क्वेश्चन को, एक एक पार्ट को हमें ध्यान से पढ़कर चलना है, क्योंकि हमें सब कुछ आते हुए भी गलती हो सकती है अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते। अब ये हम कैसे कर पाएंगे, ये करने का वे एक ही है कि हम लोग क्या करें, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम हमारे बाद में है, जब हमें आज पढ़ाई करनी है तो हमें वन लाइन नोट्स बनाने हैं। अगर आप वन लाइन नोट्स बनाओगे, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हम करते थे पहले, अब वैसे अगर फिल इन द ब्लैंक्स वाले नोट्स बनाओगे ना, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट हमने डिवाइड किया वो हमें आता होगा। जब हम NCERT पढ़ रहे हैं तभी उसी टाइम पर वन लाइन नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको आसानी हो जाए, क्योंकि वो वन लाइन नोट्स में से आपके बहुत सारे MCQ निकल जाते हैं। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास आती है रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली। यही आपकी वही बातें हैं कि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत मैटर करता है MCQ में, क्योंकि बीच में एक वर्ड होता है आपका नॉट, वो पूरे क्वेश्चन की वैल्यू बदल देता है। इसलिए हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है जी, लास्टली हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितने भी जहाँ से भी MCQ मिले उनको करते जाओ और MCQ पढ़ते जाओ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम ऐसे कॉन्फिडेंट होंगे कि कोई भी MCQ दे दो मैं वो सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई कि हमें क्या ट्रिक्स फॉलो करनी है वाइल अटेम्प्टिंग आर MCQ एग्जाम्स, और प्रिपेयरिंग कैसे करनी है, हमारी प्रिपरेशन कैसे होगी, ये बातें भी हमें आज के लेक्चर में क्लियर हो गई होगी। कोई भी टेंशन, कोई भी डाउट आपको रह जाती है, कमेंट सेक्शन में आप सभी पूछ सकते हैं। सो लास्टली आई थिंक आज के लेक्चर में आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लर्न करो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके लिए बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं MCQ रिलेटेड, आपके कॉमर्स के रिलेटेड। सो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते जाएं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।